तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं टाइम की कैलकुलेशन। तो डेट की कैलकुलेशन के बाद टाइम की कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम को हम टाइप कैसे करेंगे यहाँ पे। और आज टेस्ट, एक टेस्ट फाइल भी आपको मुझे देना है। तो रिकॉर्डिंग का परमिशन जी हाँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन रह गई थी, मैं आप लोगों को दे दी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम लास्ट क्लासेस में हमने बात की थी डेट की कैलकुलेशन और टाइम की कैलकुलेशन बात करेंगे। तो टाइम लिखने के लिए यहाँ पे आप क्या करना है कि आवर सेमीकोलन एंड मिनट लिख दीजिए। अगर सेकेंड भी लिखना है तो सेमीकोलन करके सेकेंड लिख सकते हैं। लेकिन अगर रात का 10 बजे का है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर 10 बज के 20 मिनट कर दिए तो बाय डिफॉल्ट ए मॉर्निंग का ही लेगा, इवनिंग का नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर इवनिंग का चाहिए तो आपको इसके साथ, जैसे मेरे रात को 10 बजे इवनिंग का है तो मुझे स्पेस देके पीएम लिखना पड़ेगा, तब तो जाके वो 22 दिखेगा, या फिर जो आप एएम पीएम लगाते हैं वो आपको दिखेगा। यहाँ से टाइम या फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन इससे बचने के लिए हम सलाह देते हैं कि आप इस तरह से लिख दें कि 22 डायरेक्ट लिख दें कि 22 बज के 10 मिनट, तो रात को 10 बजे ले लेगा, तो फिर आपको एम पी एम लगाने की ज़रूरत ना लगनी पड़ेगी। तो आप 60 आप जो है 24 के रूल में लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही नॉर्मल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई, मैंने मान लीजिए कोई टाइम हमने लिखा है, इसमें से मुझे आवर मिनट सेकंड को अलग करना है तो कैसे करें। तो इसके लिए आवर के लिए आवर का फॉर्मूला है जो अलग करता है, मिनट का फॉर्मूला है जो मिनट अलग करता है, और सेकंड का फॉर्मूला सेकंड को अलग करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ए इस तरह का हो, 37 बज के 40 मिनट आपने कर दिया, अब यहाँ मैं आवर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लग रहा है, आवर आएगा 37 आएगा नहीं आएगा, तो 13 क्यों आया, क्योंकि 37 से 24 को माइनस कर दिया, क्योंकि जैसे आपने 37 लिखा, यहाँ पे देखिए एक दिन यहाँ पे लिखा गया, तो उस केस में अगर आवर निकालना तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद लेंगे, किसके लगेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले, और यहाँ पे जो है हम लिख देंगे h फॉर आवर, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में ना लिखें तो दिक्कत होगा। और फिर मिनट वगैरह तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है जो कि तीनों का कंबाइन करता है, हमने 22 को सेलेक्ट कर लिया, 10 सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, तो टाइम बन गया। और इसका यूज हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं, जैसे आज 10 बज के 20 मिनट या 30 मिनट है, मुझे इसमें मान लीजिए 20 मिनट्स ऐड करने हैं, तो मिनट्स को अगर आप 20 के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ठीक है, डेट के फॉर्मेट में मतलब लिख देते हैं तो ठीक है, आप इसको जस्ट प्लस कर सकते हैं, इसमें प्लस हो गया, हो गया, आपने इसको जस्ट प्लस कर लिया। लेकिन अगर इसको अगर आप टाइम के फॉर्मेट में कर दिए, नंबर के फॉर्मेट में, तो यहां पे हमने 20 जो नंबर फॉर्मेट में, अब इसको हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेल में 1=24 आवर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि टाइम का फॉर्मूले की मदद लेंगे, प्लस हम टाइम का फॉर्मूला यहां लगाया और इसमें हमने कर दिया 00 मिनट आवर 20 मिनट एंड सेकंड, ये आपको ऐड करना है। ओके सर, ओके सर।
ऐसे डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए डिफरेंस निकालना है आपको, तो रात के सुबह आप मान लीजिए 8 बजे ऑफिस गए और रात को 20 बजे आप ऑफिस से वापस आते हैं, 8 बजे वापस आते हैं, तो जस्ट इसको माइनस कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं आज दोपहर के 2 बजे ऑफिस से गया और रात के 3 बजे ऑफिस से छूटा, तो आप जो है 3 माइनस 2 नहीं कर सकते क्योंकि ये अगले दिन का हो गया। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा कि आज मैं ऑफिस दोपहर के 2 बजे गया और कल जो है आप जो है 3 बजे ऑफिस से आए। अब दोनों को आपस में माइनस कर, लेटेस्ट डेट टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट टाइम आ गया, इसको आवर में आप कन्वर्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर, कन्वर्ट कैसे किया आवर में? ठीक कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, है सर। क्लियर है? उसके बाद आप टाइम फॉर्मूले में आते हैं, तो कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो तो आप भी बल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने बताया ई डेट बता दिया, ई मंथ बता दिया, ये वीक नम बताया, वीक नम होता है जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई डेट डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेट डाल दिया। अब मुझे ये एक तो फॉर्मूला है सैटरडे एंड संडे लगाने के लिए, टेक्स्ट का फॉर्मूला अगर डी कर देंगे तो सैटरडे एंड संडे आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है मुझे नंबर चाहिए, तो यहाँ वीक नम फॉर्मूला या आईएसओ वीक नम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और रिटर्न टाइप में अगर वीक कब से स्टार्ट होता है, तो वीक मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे को 1 2 हाँ ये वीक नम है, साल का वीक नम दिखा दिया, माफ कीजिएगा वीक डे होता है, माफ कीजिएगा वीक डे हमने इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ भी आपको बताना होता है कि आपका वीक कब से स्टार्ट होता है, तो हमने बोला मैं मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे वाले को शो सिलेक्ट कर लिया या मैनुअल टू लिख दीजिए। अब देखिए हर वीक का एक डे बता देगा। तो ऊपर वाला जो वीक नाम फॉर्मूला था वो क्या करता था, साल का होता था कि सितंबर जो 1 सितंबर जो है साल का कौन सा डे है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो ये आप कर रहे हो छोटे सर, डेट लिख के यदि वीक नेम लगा दें तो डेट के हिसाब से डे दिखाएगा वो। नहीं, नंबर ऑफ वीक दिखाएगा, वर्क डे लगा, वीक वीक डे लगाते हो तो डे बताएगा कि हाँ ये कौन सा वीक, वीक का कौन सा डे है, मंडे को 1 ट्यूजडे को 2, इस तरह से। लाइक सर मैं कोई डेट कर दूं तो मुझे ये देखना हो कि साल का कौन सा दिन है सर, साल का कौन सा दिन है, तो टेक्स्ट लगा दीजिए ना, क्या लगा सर? टेक्स्ट फॉर्मूला। आप संडे मंडे चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ सर काउंट में आए, लाइक आज मैं कोई डेट लिख दूँ, आज की डेट लिख दूँ मैं 7/9/2021 लिख दूँ, और कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो मुझे डे मतलब बता दे कि साल का कौन सा दिन चल रहा नंबर में, लाइक 1 2 3 4 3 65 वो वाला सर। नहीं ऐसा भी फॉर्मूला तो नहीं है, बट हम बना सकते हैं उसे कैसे। अच्छा, आपने जी आज का डेट डाल दिया, राइट? जी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डेट में से माइनस करूँगा डेट ईयर, ईयर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, मंथ 1 हो जाएगा, डे 1 हो जाएगा, समझे? डेट ईयर मतलब हमें जो डेट लिख रहे हैं उस डेट में से हम 1 जनवरी को माइनस कर रहे हैं। ओके हाँ सर जी, ठीक है सर, ठीक, मुझे लगा इसी से रिलेट कर रहा है सर। क्लियर है? जी समझ में आया सर आपको कि नहीं? आया सर, आया। इस तरह से इसका यूज करते हैं। क्या करें?